नमस्कार, मैं हूं गुरु पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। लखनऊ में बढ़ती महंगाई के मद्देनजर सपाइयों ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सपा एमएलसी सुनील साजन अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने बजट सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा के अंदर जाने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन्नाव प्रकरण पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने ट्वीट कर उन्नाव में दो बहनों की मौत और एक बहन की हालत नाजुक होने पर परिवार को संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से दोषियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। लखनऊ में थाना जानकीपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस बूथ के अंदर हेड कांस्टेबल का ड्यूटी के दौरान ताश खेलने वाला एक वीडियो सब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भीषण जाम लगे होने के बावजूद कांस्टेबल साहब काम करने के बजाय ताश खेल रहे हैं। सुल्तानपुर में 3 दिन की खामोशी के बाद पुलिस ने अतिक्रमण पर फिर सख्ती अपनाई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने दुकानों के सामने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके सामान को हटवा दिया है, जिससे नगर क्षेत्र का यातायात बिना किसी बाधा से सुचारू रूप से संचालित हो सके। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने रिजर्व पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन मैदान में हो रही परेड की सलामी लेने के साथ ही पुलिसकर्मियों के संग दौड़ भी लगाई। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने ऑफिसर्स मेस, क्वार्टर गार्ड, परिवहन शाखा और रेडियो शाखा का निरीक्षण कर सिपाहियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी रमेश गुप्ता ने कलेक्ट्रेट में मौजूद अपने कक्ष में जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने वहां आए सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना, साथ ही उनके समस्याओं को सुनते ही उनके जल्द निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अमेठी में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए डीएम अरुण कुमार और पुलिस अधीक्षक ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद सीओ और थानाध्यक्षों को जिले में शांति बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी बातें भी बताई। अमेठी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने 19 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है। आपको बता दें कि 8 उप निरीक्षकों को पुलिस लाइन से भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, 11 उप निरीक्षकों को दूसरे थानों में भी तैनात कर दिया गया है। अयोध्या में कृषि बिल को वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में उतरे सरयू विकास समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह और मंत्री अरविंद यादव को उनकी ही आवाज पर अयोध्या नगर पुलिस टीम ने नजरबंद कर दिया है। इसी क्रम में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील तिकोनिया पार्क में ही धरना प्रदर्शन करके सरकार विरोधी नारेबाजी कर किसान बिल को वापस लेने की मांग भी की। बाराबंकी में राजस्व परिषद के चेयरमैन डॉक्टर दीपक त्रिवेदी सरकार की योजनाओं का जायजा लेने के लिए जिले में पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह से मुलाकात कर सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, साथ ही सदर तहसील का निरीक्षण कर सभी अधिकारियों को कुछ जरूरी बातें भी बताई। मुरादाबाद में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने जिले के सहसपुर जंक्शन और मूड़ा पांडे जंक्शन पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस बात की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन किसान नहीं माने। रामपुर में महाविद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण के ओपन डिस्टेंसिंग लर्निंग यानी ODL की भूमिका पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां डॉक्टर VK वाश्रेय जी समेत कई अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। रामपुर के महाविद्यालय में NCC के बी प्रमाण पत्र के लिए प्री परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 49 छात्रों ने भाग लिया। आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन NCC प्रभारी डॉक्टर प्रवेश कुमार ने करवाया है। जालौन के उरई में कृषि कानूनों के विरोध में किसान संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक पर जमा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वहां किसान संघर्ष मोर्चा के संयोजक कैलाश पाठक समेत कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जालौन में सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाकर गरीबों को निशुल्क सिलेंडर देने के बाद अब महंगाई का पान खिलाकर लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि जिले के लोग गैस सिलेंडरों के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से उनकी दामों को कम करने की मांग कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।